हुआ क्या कि एक वो डिबेट कंपटीशन में मेरा नाम लिख दिया गया। सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था मैं, नाइन्थ एट्थ या नाइन्थ की बात है, तो मैं रोने लगा पीछे। तो मेरे एक प्रिंसिपल थे राजगुरु साहब, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा है, अगर ये लोग तुम्हारे जितने स्मार्ट होते तो ये स्टेज पे बोल रहे होते, तुम इनसे ज्यादा जानते हो इसलिए तुम स्टेज पे बोल रहे हो, ये तुम्हें सुन रहे हैं। आप जब तक इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं, जब आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं लाइफ चेंज होती है। मार मार पड़ती थी? हाँ, उस समय मार और सही होता है, मार पड़ती थी, गलत होता ही मतलब मार। हाँ, मतलब यानी आपके हाथ से गुलदस्ता गिर गया अगर और हाथ में खून आ गया, उसकी किसी को चिंता नहीं है, इतने लापरवाह गिर गया टपा। अब मुझे लगता है कि जो कुछ मैं हूँ शायद उन मार के कारण हूँ। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आता क्या हमारे जहन में रह जाता है, एंड दैट शेप्स अस एज पीपल। हर नदी जो है उसको अपना रास्ता ढूंढना है, हर नदी को अपना रास्ता ढूंढना है। देखिए नदी भी अपना रास्ता कब समझ में आता है नदी को, पहले तो वो पत्थरों से टकराती है, कितनी टूटती है वो नदी, जब गंगोत्री उतरती है तो आप हिमालय में देखिए वो दृश्य, पत्थरों से टूटती है, उछलती है, फिर गिरती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, मतलब एक इतने संघर्ष के बाद जाके यूं गोल गोल इधर उधर कहीं कहीं होके फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, तब फिर उसमें गहराई आती है, फिर वो सीधी बहती है एक दिशा में। What was the first book you remember which made an impact in your life? Obviously गीता, यानी मैं क्लीशे है ये बात, लेकिन नहीं, बिल्कुल क्लीशे नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जिंदगी के जितने भी क्लीशे है ना वो सबसे ज्यादा ज्ञानदायक। इसलिए शायद हजारों साल में कोई आई लव यू चेंज नहीं कर पाया, बिकॉज़ ऑफ क्लीशे। ये जितने मैं लोगों को अपना आइडियल मानता था और जितने ये लीडर्स थे और सब लोग थे, ये खुद तो करोड़ों रुपए की कोठियों में रहते हैं और विश्व को बदलने का ठेका आपको दे दिया, सबको कंट्रोल करने का जिम्मा एक स्टूडेंट्स को दे दिया, यूथ को, और बोला कि जो तुमसे अग्री नहीं करता वो तुम्हारा दुश्मन है, गाली दो उसको। आई वॉज फीलिंग एज इफ डायरेक्टर एंड राइटर मीन्स नथिंग इन दिस इंडस्ट्री। तब मैंने दो निश्चय किए, मैंने कहा कि अब उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जिन पे हम बिलीव करते हैं। देखिए जब तक दिल दो चार बार टूटेगा नहीं ना, तब तक उस दिल का एहसास ही नहीं होगा आपको, और क्रिएटिविटी निकलेगी ही नहीं वहां से जब तक पीड़ा नहीं होनी चाहिए। पीड़ा का मतलब पैसे से ही रिलेटेड नहीं है, समझ गया, दिल टूटना बहुत आवश्यक है।